कांग्रेस मुख्यालय रांची में रांची के पूर्व सांसद शिव प्रसाद साहू का जयंती मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि रांची के सांसद के तौर पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और हमारे दिल में उनके लिए हमेशा मान सम्मान और इज्जत रहेगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जगमोहन ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। आज के ही दिन शिव प्रसाद साहू का 7 जनवरी को जन्म हुआ था और उनकी मैं जन्मदिवस पुण्य जयंती मना रहे हैं। आज शिव प्रसाद साहू रांची से 5 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव जीते 80 और 85, और उन्होंने जो काम किया झारखंड के लिए, बहुत सारे काम किए जो आज देख रहे होंगे कि राजधानी लोहरदगा से बड़ी लाइन होकर के जो जा रही है, उन्हीं का एक बहुत बड़ा देन है कि उन्होंने लोहरदगा को बड़ी लाइन करवा करके और दिल्ली से जोड़ने का काम किया और बहुत सारे काम किए। गरीबों के मसीहा थे और लोगों के बीच में, दुख सुख में लोगों के बीच खड़ा रहते थे, और उनको ये आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज उनकी कमी हम लोग को खल रही है। मैं उनके मार्ग निर्देशन पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जन जन तक कांग्रेस को ले जाने के लिए समर्पित हूँ और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनके मार्ग निर्देश को जन तक पहुँचाऊँगा। लेकिन फिलहाल देश में जो है कांग्रेस को लेकर बड़ा गुस्सा फूटा हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पर तो सवालिया निशान उठ रहा। देखिए, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो तय होता है वो पूरी गृह मंत्रालय से लेकर SP जी उनका प्रोग्राम को पूरा तय करते हैं, और अचानक से जब मौसम, और ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है सारे विभागों से कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि मौसम की क्या खराबी है या नहीं है। ये का नाम है कि मौसम खराब है पंजाब में, और जहाँ तक पहुँचना था 140 किलोमीटर की दूरी तय करना था, अचानक से मनचले ढंग से आप रोड से चले जाएंगे और अचानक बोलेंगे कि हमको रोड से जाना है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि देश का माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनका एक कार्यक्रम तय होता है कि रोड से जाना है, कि एयरपोर्ट से जाना है, कि हेलीकॉप्टर से जाना है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से गए नहीं और रोड से अचानक जाने का प्रोग्राम बनाया जो सारे लोगों को पता था। तो किसान उनका विरोध, क्योंकि वहाँ जो मीटिंग हो रही थी, जहाँ हुसैनाबाद में, जहाँ हुसैना में जो मीटिंग थी, वहाँ पर भीड़ तो थी नहीं, और उस फिरोजाबाद में जो भीड़ तो थी नहीं, और उस भीड़ को, वो मीटिंग को पता चल गया, इसलिए उस मीटिंग में जाने के लिए उन्होंने वापस रोड से ही वापस आ गए। और ये कहना कि कांग्रेस की सरकार था तो इसको मतलब ये किया गया, क्योंकि 10,000 सुरक्षा पंजाब पुलिस वहाँ खड़ी थी उनके अगवानी में और उनकी सुरक्षा के लिए, जबकि एक पत्थर भी उनके ऊपर नहीं चला, तो कहाँ सुरक्षा का कोई मामला उठता है। और ये राजनीति षड्यंत्र के तहत